A temple in Jammu and Kashmir has reopened for pilgrimage after 34 years. The Mata Uma Bhagwati Ashtaban Brayangan of Anantnag of Jammu and Kashmir opened its doors after more than three decades by the district administration. During the opening, a huge gathering was seen where people from both Hindu and Muslim community came together and welcomed the move by the administration. Earlier, the deputy commissioner of Anantnag and SSP visited the चौतीस खोल दिया गया कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की मुकामी लोगों की मुकमल हिमायत के साथ इस तकरीब को मनाया और फिर वाराना हम आंगे और कश्मीरियत का मुजाहरा किया तो इसके साथ साथ मैं कश्मीरी पंडितों के साथ बात करने की कोशिश करूंगा। हॉर्म टीवी के लिए शाह इम्तियाज़ आंगन शांगस अनंतनाग कश्मीर वर्किंग बॉडी प्रेसिडेंट उमा भगवती अस्थापन ट्रस्ट मैं काफ़ी उत्साहित हूँ खुश हूँ जो ये प्रोग्राम काफ़ी सालों के बाद हो रहा है उसमें हमने काफ़ी सालों से बड़ी कोशिश की है यहाँ तैमी मतलब तमीरात तैमीर, में बाकी कामों में और आज कल आज के इस मुतबरक दिन पर जो ये हवन का आयोजन आयोजन हो रहा है इसमें जिला इंतज़ामिया डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आभारी हूँ उन्होंने हमें काफ़ी ताउन दिया है इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी शुक्रिया अदा करता हूँ मजीद इसके अलावा यहाँ के जो बरदरी के लोग हैं उन्होंने भी हमारा हाथ बटाया इस काम में साथ साथ रहे बाक़ी मैं तमाम लोगों से बुधवार गुजारिश करता हूँ कि वो इस पवित्र दिन पर इस आयोजन पर हमारा साथ